हाय एवरीवन, दिस इज एंकर विक्रम और आज मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मेघा डोरा। एंड मैम की अचीवमेंट्स की बात करें, बहुत सारे टाइटल जीते हैं, बताया तो थोड़े बहुत टाइटल्स आपको। मिसेस इंडिया 2020, शो स्टॉपर विद शफाकनाज 2021, और बहुत सारे शूट्स किए हैं ओरा ज्वेलरी के लिए, ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ सो मेनी इवेंट्स। एंड स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, ब्यूटी एंड फिटनेस अवार्ड मिला मैम को, राइट? तो अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आइए बात करते हैं मेघा डोरा मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले अंजानी टीवी पे। थैंक यू सो मच अंजानी टीवी फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम हैविंग अ सेशन विद विक्रम। दैट्स ग्रेट मैम, दैट्स ग्रेट। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ है मेघा डोरा मैम। मैंने आपकी अचीवमेंट्स है वो बताई आपको, और आज जानते हैं मेघा डोरा मैम के बारे में और उनकी जर्नी कैसे रही यहाँ पर, जो भी मैम की अचीवमेंट्स है एज अ मॉडल, राइट? तो मैम कैसे स्टार्ट हुआ ये सफर आपका? एक्चुअली पहले मुझे इस फील्ड में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लाइक यू नो कि पहले का एरा कुछ और होता था, अभी का एरा कुछ और है। बहुत सारे लोग इस फील्ड को अच्छा नहीं मानते थे, जैसे कि आपको पता ही होगा, बट नाउ डेज ये बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज आ गया इस वाली फील्ड में, और लेडीज़ जो हैं इवन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं इसमें। और मैंने ये बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे इस फील्ड में आए हुए, इट्स जस्ट 3 to 4 years हुए होंगे, बट जो भी मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। सो मेरी फैमिली ने इसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट दिया कि लाइक यू हैव ब्यूटी, यू हैव ब्रेन, दे एनकरेज्ड मी टू डू ऑल दीज थिंग्स। और उन्होंने मुझे बोला कि तुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, एंड मेरा पैशन शुरू से ही था इस फील्ड में। थैंक यू। सो मेरा जो मैंने फर्स्ट टाइटल विन किया था वो था मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2020। अब जैसे ही आप जानते हैं कि टाइटल छोटा नहीं था, बहुत अच्छा बड़ा था, तो उस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस गेन किया मैंने, और आगे मैंने सोच लिया कि मुझे इसी जर्नी में चलते रहना है, बढ़ते रहना है। मे बी कभी लैक कर भी जाऊं, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर होना चाहिए इस चीज़। बिल्कुल सही बात है मैम। एज अ वुमेन बहुत ही दिक्कतें भी आती है इस फील्ड में, मैं समझ सकता हूँ, राइट? और मैं इसके बारे में प्रॉपर खुल के बात करना चाहूँगा आपसे, तो क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं वाइल जो भी आपकी जर्नी रही है इस दौरान? देखिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप इन सब चीज़ों को, मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि आप इनको पीछे छोड़ सकते हैं इजीली। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक फैमिली को मैनेज करना, अपने किड्स को मैनेज करना, और उसके बाद आपको घर से निकल के अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना है पूरा और सब कुछ। बट ठीक है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, डेफिनेटली आई विल से अगेन, तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ। ओके मेघा मैम, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, सबसे पहले यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इस खूबसूरती का राज क्या है, क्या आप चीज़ें जो है अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं इसके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि सुंदरता हमारे फेस पे या हमारी बॉडी से नहीं होती, वो इनबिल्ट हमारा मन अच्छा होना चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू आर आस्किंग कि मैं बॉडी के लिए क्या करती हूँ, तो मुझे योगा करना बहुत पसंद है और मैं डेली योगा करती हूँ, ये एक डेली रूटीन है मेरा। सेकेंडली, मैं फूड बहुत न्यूट्रिशियस खाती हूँ, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैम जंक फूड भी खाते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, चीट डे तो सबका होता है। मतलब डेली की ओकेजनली कभी हो गए? नहीं, चीट है, हफ्ते में एक बार तो चीट होता है। क्या बात है। तो कौन हेल्प करता है इस चीट में आपके लिए? चीट में ऑलवेज रेडी माय हस्बैंड। चलो, मैं सर का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा मुझे इसके बाद ज़रूर। ओके, ऑलराइट मैम, जब आप मिसेस इंडिया बने 2020, तो उस टाइम पर मैं समझ सकता हूँ कोविड का टाइम था और बहुत सारी चीज़ें हमारे पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड मतलब जो है उसको देख पा रहा था, तो उस टाइम कैसा, मतलब जब आपने टाइटल जीता तो क्या रिस्पॉन्स रहा फैमिली का पूरी? एक्चुअली आप जानते हैं कि उस टाइम पे टाइम ऐसा था कि पूरा वर्ल्ड बहुत टेंस माहौल में था, राइट? सो एट दैट टाइम घर रह के बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ कि हमें एक दूसरे के साथ टाइम निकालने का मौका मिला फैमिलीज को। सो एट दैट टाइम आई डोंट नो हाउ, बट मेरी फैमिली को समहाउ एक ख्याल आया कि मुझे इस वाली फील्ड में, इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा सा जाना चाहिए और मतलब पार्ट लेना चाहिए। सो आई वॉज टेंस्ड डेफिनेटली, पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, करके देखती हूँ। बट मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि आई विल बी द विनर फॉर मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2020, बट जैसे ही वो अनाउंस हुआ, आई जस्ट गॉट नंब, कोई एक्सप्रेशन सारे मेरे गायब हो गए थे उस टाइम बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत शॉर्ट अचीवमेंट नहीं थी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। एंड इवन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिली कि मेरे बच्चों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन गई कि वो आगे लाइफ में जो भी उनका पैशन है, आई वॉन्ट कि
बच्चों को क्या, हर किसी को, हर उम्र में जो भी आपका पैशन है वो आपको जरूर पूरा करना चाहिए, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है आपको। ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने कि लाइफ एक बार है, उसको अगर हम निचोड़ के जी लें वो ज़्यादा बेटर है। सो वी हैव टू लिव आवर लाइफ 100% व्यूज, आपको भी ऐसे ही करना है। ऑलराइट मेघा मैम, अब सवालों का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, बट एक सवाल मेरे मन में आया, मैं पूछना चाहूँगा। एक बड़ा डिफरेंस होता है मैरिज के बाद, है ना, अब फैमिली स्विच होती है ना, एक फैमिली जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके बाद दूसरी फैमिली में आना, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, बिल्कुल गॉड्स गिफ्ट है कि मुझे मेरी जो पेरेंटल फैमिली थी वो भी बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी मिली थी। मेरी मदर ने हर जगह मेरा सपोर्ट दिया, और स्पेशली हम टू डॉटर्स थे जैसे, तो मेरे फादर ने बिल्कुल बॉर्न एंड बॉटम लाइक मेरे को बिल्कुल एक सन की तरह रखा। एंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगली फैमिली में जाके एडजस्ट करना, बट गॉड्स गिफ्ट की मुझे जो आगे फैमिली मिली वो भी बहुत सपोर्टिव थे। मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ, एंड हस्बैंड तो लव मैरिज है, वो तो होना ही पड़ेगा उन्हें तो। अच्छा, सर से कैसे मुलाकात हुई आपकी? एक्चुअली यही, मैं चंडीगढ़ ही मिली थी उनसे। सो वो यहाँ पे बेसिकली ही इज़ फ्रॉम पठानकोट, तो वो यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आए हुए थे। क्या हुआ था, ये पठानकोट वाली बात आ गई, मैं सब समझाऊंगा, मेरे जीजा भी पठानकोट से ही हैं। तो व्यूअर्स, चलो मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, बट पठानकोट से ही, अभी वो यूएई में है, तो उनकी भी लव मैरिज थी। तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जानकारी। तो एक चीज़ होती है मैम, जब हमारा हम फेल होते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वो संस्कार ही हमारे पेरेंट्स के जो हमें आगे लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ दिखती है, और आपकी पर्सनैलिटी में वो पूरी चीज़ नज़र आती है। तो कोई ऐसा फेलियर आपके लाइफ में आया हो जहाँ पर सर ने आपको सपोर्ट किया हो, कोई ऐसी चीज़ याद हो? देखिए, फेलियर्स तो लाइफ में बहुत सारे आते हैं, बट समथिंग, इफ देयर समथिंग पर्सनल, हम शेयर नहीं कर सकते। बट वहाँ पे भी मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला कि वो फेलियर मुझे कभी लाइफ में लगा ही नहीं। बहुत ही बढ़िया मैम, अमेजिंग, बिकॉज एक अच्छा पार्टनर मिलना और सपोर्ट मिलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके मैम, अब ये जो पार्ट होता है ये बेसिकली हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए है। तो आपका कोई मैसेज हो ऑडियंस के लिए, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली मॉडल्स, एस्पायरिंग मॉडल्स जो इस फील्ड में आना चाहती है, इस फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूथ्स को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि लाइक आजकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया है यूथ्स के लिए, बहुत प्रेशराइज होने लगे हैं। सो मैं उनको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हर एक यूथ में, हर एक इंसान में एक अपनी यूनिकनेस होती है, जो कि अगर हमें खुद में समझ नहीं आ रही, तो एक हमें ऐसा एडल्ट मेंटोर चूज कर लेना चाहिए लाइफ में, जो कि हमें एक सही पाथ दिखाने में हेल्प करे। और जो जितनी भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स को भी आगे आकर इन इवेंट्स में मतलब भाग लेना चाहिए, ज़रूर आगे आना चाहिए। बिकॉज क्या है कि देखो, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है फीमेल्स के अंदर भी, घर बैठ बैठ कर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। सो अब टाइम इतना बदल चुका है कि इवेंट्स में आप आओगे, आप अपना कंपटीशन करिए, चाहे आप विनर होते हैं या नहीं होते, बट आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं हर चीज़ से। बिल्कुल मैम ने जैसे बताया, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैम ने बताया कि आप इवेंट्स में आए, और जो भी आपके लोकल एरियाज में इवेंट्स होते हैं वहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाते हैं। ओके मेगा मैम, अब जैसे आपने बात कही वो मेंटरशिप वाली, राइट, तो उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। व्यूअर्स, क्या होता है लाइफ में ना, सच में हमें दोस्ती उन लोगों से करना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखो अगर हम अपनी जनरेशन से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वही उसमें ही दिमाग रहेगा। तो फ्रेंडशिप करें आप उनसे, करें जो आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा है या आपसे स्टेटस में ज़्यादा है, बिकॉज ये चीज़ आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, जैसा मैम ने बताया। तो मैम कैसा लगा आज आपको यहाँ पर आकर हमारे सेटअप पे? मैं थैंक्स करना चाहूँगी अनजाने टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बी मोटिवेटेड एंड कीप शाइनिंग। आपके अंदर बहुत एक अच्छी यूनिकनेस है जो कि सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू विक्रम इस सेशन के लिए। थैंक यू ऑडियंस, और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए ज़रूर फॉलो करें अनजाने टीवी, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।